हमारे यहाँ क्या है, डेटा प्राइवेसी की बातें खूब होती हैं, भले ही आम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता कि उनका डेटा किधर जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने पार्क में, अपने मोहल्ले में जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड होकर चाइना पहुंच रहा है, सोच रहे हैं आप घर में कपड़ा बदल रहे हैं, हो सकता है ये चाइना में देख रहा हो कोई, आप अपने घर में पत्नी से क्या बात कर रहे हैं ये चाइना में सुन रहा हो कोई, ये हो रहा है आसपास, आपके यहां हो रहा है या नहीं अभी आपको चैप्टर देखकर समझ में आएगा, क्योंकि ये सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाने चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं वहां ये लिखा होता है कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलांस, यानी आप सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आप कहेंगे कि यू आर अंडर चाइना सर्वेलांस, यानी आप चीन की निगरानी में है, चीन आपके घर में झांक रहा है, सरकारी दफ्तरों में झांक रहा है क्या? और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल में ब्रिटेन में वहां की सरकार ने सरकारी दफ्तरों को चेतावनी दी है कि संवेदनशील जगहों पर अगर चीन की कंपनियों के बने सीसीटीवी कैमरा हैं तो हटा दो और लगाओ भी मत। अधिकारियों से कहा गया है कि वो इस बात पर विचार करें कि जो सीसीटीवी कैमरे पहले से लगे हैं वो भी कैसे हटाए जा सकते हैं। अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वो ये देखें कि कहीं इन सीसीटीवी कैमराज का सिस्टम सरकारी विभाग के कोर नेटवर्क से तो नहीं जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन की सरकार के इस नए आदेश का असर यह हुआ है कि ब्रिटेन के डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशंस ने चीन की कंपनी के सीसीटीवी कैमरे अपनी बिल्डिंग से हटा दिए। डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ एंड सोशल केयर ने चीन की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। आप कहेंगे यार ये क्या है, उस कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है चीन का तो इससे चीन देख कैसे रहा? अभी समझाऊंगा आपको कि चीन का कैमरा कैसे सब देख रहा है और बता रहा है वहां जिनपिंग को। ब्रिटेन की सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि वो चाइना मेड मौजूद सीसीटीवी कैमरों को हटाने पर भी विचार कर रही है और फिलहाल एहतियातन ये स्टेप लिया गया है कि अब जो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे वो चीन की कंपनियों के नाम। अब बेसिक प्रश्न किसी के भी मन में होगा कि ये तो ब्रिटेन का मामला है, इससे हमारा क्या लेना देना? लेकिन इससे आपका लेना देना है, इससे इंडिया का लेना देना है, इससे भारत की सरकार को चेत जाने की जरूरत है। कैसे ये अभी आपको आगे बताऊंगा और जब सुनेंगे तो झटका लगेगा आपको। लेकिन पहले ब्रिटेन का पूरा किस्सा सुनिए तब समझ में आएगा कि क्यों इंडिया की बात कर। ब्रिटेन की सरकार ने यह कहते हुए चीन की कंपनियों पर रोक लगाई कि उन्हें इस बात की आशंका है कि इन कैमरों के जरिए, वो जो सीसीटीवी कैमरा है उसके जरिए चीन ब्रिटेन की जासूसी कर सकता है, चीन के बने कैमरे ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। जिन चीन की कंपनियों पर ब्रिटेन को शक है उसमें से चीन की दो कंपनियों के नाम लिए जा रहे हैं, एक है हिकविजन और दूसरा है दहुआ। ब्रिटेन की संसद, सरकारी दफ्तर, सड़कें, पुलिस स्टेशन, कॉलेज, अस्पतालों में ज्यादातर जगहों पर हिकविजन कंपनी के ही कैमरे लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन ने हिकविजन के 13 लाख कैमरे लगाए हुए हैं और ब्रिटेन के 60% सरकारी दफ्तरों में, 73% लोकल अथॉरिटी के दफ्तरों में, 35% पुलिस स्टेशन में और 63% स्कूलों में चीन की कंपनियों के सीसीटीवी लगे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि चीन की कंपनियों पर ही शक क्यों? भाई कोई तो वजह होगी ना, इसकी वजह मैं बताता हूं। क्या है कि चीन में सब कुछ जिनपिंग के कंट्रोल में, इसलिए यह मानकर चलिए कि चीन में प्राइवेट कंपनियों पर भी चीन की सरकार का अधिकार होता है। ये जो हिकविजन आपको कंपनी बता रहा हूं ये चीन की सरकार की कंपनियों की बड़ी हिस्सेदारी है इसमें। ऐसे में यह विश्वास करना नामुमकिन सा लगता है कि इस कंपनी में चीन की सरकार की दखल अंदाजी ना हो। वो लोग हर जगह घुसे हुए हैं भाई, हर कंपनी में उनका दखल है। ब्रिटेन के बायोमेट्रिक्स एंड सर्विलांस कैमरा कमिश्नर फ्रांसर सैम्पसन के मुताबिक चीन की इन कंपनियों पर चीन की सरकार का कंट्रोल है। ये कंपनियां चीन के डेटा शेयरिंग कानून से बंधी हुई हैं, मतलब इनको चीन की सरकार अगर डेटा मांगे तो देना पड़ता है, ये वहां कानून है। चीन में कानून के मुताबिक जो भी कंपनियां विजुअल सर्विलांस सिस्टम बना रही हैं
उन्हें चीन के कानून के मुताबिक चीन की सुरक्षा एजेंसीज के साथ सहयोग करना होगा। मतलब अगर कोई कंपनी है और उसने सीसीटीवी बनाया और सरकार कह देगी कि तुम इसका डेटा हमको दो, तो देना पड़ेगा। फ्रांसर सैमसन ने बताया कि चीन का नेशनल इंटेलिजेंस लॉ यह कहता है कि इन कंपनियों को चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सपोर्ट कोऑपरेट दोनों करना होगा। इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ देते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि चीन के जिन सीसीटीवी कैमरास को जासूसी कैमरा कहा जा रहा है, वो मामूली सीसीटीवी कैमरे नहीं है भाई। इसी साल ब्रिटेन की एक संस्था है बिग ब्रदर वॉच, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसे कई कैमरे लगे हुए हैं जिसमें एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे माइक्रोफोन भी लगा हुआ है, चेहरा और जेंडर पहचानने की तकनीक है। ये कैमरे ऐसी तकनीक से लैस हैं जो ये तक पहचान सकते हैं कि कैमरे में जो शख्स दिख रहा है वो किस मूल का है, मतलब एशियन है या अमेरिकी है या अफ्रीका का, यहां तक सब पहचान सकते हैं लोग। ये ऐसा कैमरा बनाया हुआ है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि कुछ कैमरे तो इंसान के बर्ताव को भी पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो यह कैमरा यह भांप सकता है कि यहां लड़ाई हो रही है और किसे कितना गुस्सा आ रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि चीन के शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के कैंप्स पर यही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चीन की सरकार इन्हीं सीसीटीवी कैमरास की मदद से शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर नजर रखती है और उनकी गतिविधियों को मॉनिटर करती है। इसी साल जुलाई में भी ब्रिटेन के 67 सांसदों के दल ने चीन की दोनों कंपनियों पर बैन की मांग की थी, जिनके बारे में अभी आपको बताया। अब आपके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर सीसीटीवी से चीन जासूसी करेगा कैसे बॉस, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो किसी दूसरे देश के शहर में, किसी सड़क पे, दफ्तर में लगा हुआ है, तो चीन कैसे देखेगा? उस सीसीटीवी से जुड़ा सर्वर भी उसी देश में है, लेकिन उस सीसीटीवी से जुड़ी सारी जानकारी हजारों किलोमीटर दूर चीन के पास कैसे पहुंच रही है? यह बहुत बढ़िया प्रश्न आपके मन में आ रहा है। पहले इसका जवाब सुनिए, फिर इंडिया में क्या हो रहा है वो बताऊंगा। उदाहरण के लिए सीसीटीवी कैमरा लंदन के किसी ऑफिस में मान लीजिए लगा है, लेकिन उस ऑफिस में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्या पहनकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है, क्या लेके जा रहा है, पिछली बार कब आया था, एक महीने या एक साल में कितनी बार आया, किसके साथ आया, कितनी देर के लिए आया, ये सारी जानकारी सीसीटीवी कैमरे की मदद से निकालकर चीन तक कैसे पहुंचाया जाता है, इसको समझिए। आपके सामने मैंने एक दफ्तर का माहौल क्रिएट किया है, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे चीन तक मामला पहुंचता है। ये एक दफ्तर हो गया, कुछ लोग बैठे हैं, एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जैसे हर दफ्तर में होता है। यहां सीसीटीवी की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी डीवीआर है। डीवीआर मतलब डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये क्या करता है, रिकॉर्ड जो हुआ वो डीवीआर से आया और ये फुटेज रिकॉर्ड यहां हो गई डीवीआर में। अब ये फुटेज केवल केबल के थ्रू या वाईफाई के जरिए भी ट्रांसफर होती है। अच्छा, अब ये सीसीटीवी डीवीआर है, इसकी अपनी कैपेसिटी है कि कितना रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये डीवीआर से, ये डीवीआर जो है वो सर्वर से जुड़ा रहता है, जो आप सर्वर देख रहे हैं। सर्वर मतलब एक तरीके से समझिए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो गया, जहां बड़े बड़े मेमोरी वाले एक तरीके से कहिए कि हार्ड डिस्क वगैरह लगा हुआ, तो ये सब वहां से कंट्रोल होते हैं, वहां सारा डेटा चला जाता है। तो सारी फुटेज सर्वर में स्टोर होती है और ये लगातार कंटिन्यूअसली हो रहा है, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, डीवीआर, डीवीआर से सर्वर, ये चल रहा है। अब जिस व्यक्ति के पास इस पूरी प्रक्रिया को देखने का एक्सेस है, यानी अधिकार होता है, वो इसे अपने कंप्यूटर पर, टैबलेट पर, मोबाइल पर देख सकता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। यहीं से फुटेज हैकिंग का खेल शुरू होता है। दरअसल ये जो अब आप सैटेलाइट देख रहे हैं, सैटेलाइट की एंट्री हुई, इन सीसीटीवीज में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाता है चाइना, ये दावा किया जा रहा है, जिसमें फुटेज अपने मनचाहे सर्वर पर ट्रांसफर करने की तकनीक भी फिट कर दी जाती है। आपको तो लग रहा है आपके सर्वर पर जा रहा है, लेकिन वो चीन के सर्वर में भी जा रहा है। वो जो आप देख रहे हैं पीछे सैटेलाइट और चीन का सर्वर, वो कैसे चीन के सर्वर में भेजना है वो उसमें अंदर लगा दिया है।
और जैसे ही ये सीसीटीवी इंटरनेट के कॉन्टैक्ट में आया वैसे ही सारी फुटेज सैटेलाइट की मदद से चीन तक भी पहुंच गई। आप सोच रहे हैं कि हम मिल रहे हैं फलाने से, कौन देख रहा है? अरे चीन देख रहा है। आप सोच रहे हैं मैं यहीं पे कपड़ा बदल लेता हूं, कौन देख रहा है? अरे जिनपिंग देख रहा है। ये चल रहा है भाई। अब आपको सीसीटीवी कैमरे के जरिए जासूसी का एक किस्सा भी सुना देता। साल 2021 में ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक की दफ्तर में अपनी महिला सहयोगी को किस करते हुए तस्वीर वायरल हुई। ये जो आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दोनों आलिंगन कर रहे हैं और चुंबन चल रहा है, वहां हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि न्यूज का फैमिली शो ना है जी, सबको कैसे दिखाएंगे, तो ब्लर कर दिया। ये फोटो वायरल हो गई। किस कर रहा था? अपने ऑफिस में कर रहा था। वो सोच रहा कौन देख रहा है? पर भाई को इस्तीफा देना पड़ गया। ये किस्सा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड सोशल केयर में हुआ था, जहां चाइनीज कंपनी इसी हिकविजन के कैमरे लगे हुए थे, और तब भी ये आशंका जताई गई थी कि इस तस्वीर को जानबूझकर लीक किया गया। नहीं तो कैसे हुआ? तो लोगों को लगा कि ये हिकविजन से चाइना पहुंचा और चाइना ने इसका खेल कर दिया। जिस हिकविजन कंपनी के सीसीटीवी कैमरास को बैन किया गया, थोड़ा उसकी डिटेल भी जान लीजिए, फिर इंडिया पर आऊंगा। हिकविजन सीसीटीवी कैमरे बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ग्लोबल सीसीटीवी मार्केट के 31% से ज्यादा पर हिकविजन का कब्जा है। हिकविजन के सीसीटीवी कैमरे और दूसरे उपकरण 190 देशों में इस्तेमाल होते हैं। हिकविजन कंपनी में 41% या कह लीजिए 42% हिस्सेदारी चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन की है, जो चीन की सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी का 42% हिस्सा है इस कंपनी में, हिकविजन। ब्रिटेन में इसी हिकविजन को बैन किया गया और कहा गया है कि हिकविजन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे की बात पूरी तरह से गलत है। यह हिकविजन का बयान है। जब बैन हो गया तो इसने भी अपना बयान दिया, इसका भी तो पक्ष सुनना होगा ना, तो वो कह रहा है कि यह गलत बात है। अभी तक किसी भी संस्थान ने खतरे की बात साबित नहीं की है। हिकविजन यूजर का डेटा किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, वो ये दावा कर रहा है। यूजर डेटाबेस को हिकविजन मैनेज नहीं करता, ये कंपनी दावा कर रही है। वैसे चीन की कंपनियों पर जासूसी के आरोप भी नए नहीं, और सिर्फ ब्रिटेन में ही इन कंपनियों पर एक्शन नहीं लिया गया, दुनिया के दूसरे देशों में भी ये हुआ है। अमेरिका ने चीन की कंपनियों के कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट के इंपोर्ट और सेल पर बैन लगा दिया। चीन की कंपनियों के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए अमेरिका ने हुएई, ZTE, हाइटेरा कम्युनिकेशंस, हिकविजन और दहुआ, इनके प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। ये अमेरिका भी लगा चुका है। अभी दहुआ और हिकविजन बताया था ना, इस पे अमेरिका में भी बैन लगाया है। स्कॉटलैंड ने भी हिकविजन के सीसीटीवी कैमरों को हटाया जा रहा है स्कॉटलैंड के अंदर। तो सब ऐसे ही परेशान तो नहीं हो रहे होंगे, कुछ तो उनको भी लग रहा होगा। लाखों लाख कैमरे लगे हैं और वो कह रहे हैं कि एक काम करो, इसको हटाओ दूसरा लगाओ, कुछ तो सोच रहे होंगे। अच्छा, किसी का ट्रैक रिकॉर्ड भी होता है जासूसी करने में। चीन की कंपनियां पहले ही बदनाम है। चीन की चालबाजी का एक किस्सा और सुना देता हूं आपको, लीजिए। 2012 का साल था, ईस्ट अफ्रीकन देश है इथियोपिया, इसमें अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर की नई बिल्डिंग की शुरुआत हुई। तो बिल्डिंग बनाने के लिए चीन ने 1600 करोड़ रुपए खर्च किए। चीन ने इसे ऐसे पेश किया कि वो अफ्रीका को गिफ्ट दे रहा है और वो अफ्रीकी देशों से अच्छे संबंध चाहता है। कोई ये बता के थोड़ी जासूसी करता है कि हम सुनो तुम्हारा डेटा चुराएंगे, वो तो अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, ऐसा बोल के करता है। तो चीन ने भी वही किया। लेकिन इन लोगों को यह समझते समझते कि चीन किसी का दोस्त होगा, यह अपने लोगों का दोस्त नहीं है, यह किसी और का दोस्त होगा, ये इनको खेल समझ में आया 2018 में, 6 साल के बाद। क्या समझ में आया? चीन ने अफ्रीकन यूनियन के लिए जो नया हेडक्वार्टर बनाया उसमें कंप्यूटर नेटवर्क भी चीन ने लगवा दिया कि एक काम करो, मैं ही बिल्डिंग बनवा रहा हूं तो तुम एक काम करो, नेटवर्क भी मैं ही लगा देता हूं। उन्होंने लगवा लिया। साल 2018 में पता चला कि चीन इस कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए जासूसी कर रहा है, सारा डेटा ट्रांसफर कर ले रहा है। चीन की चोरी तब पकड़ी गई जब एक टेक्नीशियन ने यह नोटिस किया, यार सब चले गए घर और रात में 2 बजे अचानक से डेटा यूजेज बढ़ जाता है जब कोई ऑफिस में है ही नहीं। ये डेटा कौन इस्तेमाल कर रहा है भाई? बिल्डिंग खाली है और डेटा इधर से उधर हो रहा है, अब भी रात के 2 बजे।
तो जांच हुई, इसने बोला होगा सुबह सर ये तो डेटा इधर से उधर जा रहा है। जांच हुई, पता चला कि अफ्रीकन यूनियन की कॉन्फिडेंशियल डेटा शंघाई के सर्वर पर कॉपी किया जा रहा। इसके बाद इनकी बुद्धि खुली, अफ्रीकन यूनियन ने खुद के सर्वर का इस्तेमाल शुरू किया, बोला तुम चीन भैया तुमसे ना दोस्ती चलेगी, तुम अपना रखो हम अपना सर्वर लगाएंगे, और इसमें चीन की मदद लेने से इनकार कर दिया। पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली गई कि कहीं कोई बग तो नहीं लगा होगा। ये तो चीन का हाल है। अब आता हूं इंडिया पर। आपके मन में आ रहा होगा कि भाई कंपनी बता दी, क्या हो रहा है, क्या आरोप लग रहा है ये बता दिया, इंडिया का क्या सीन है भाई? भारत में भी चाइनीज सीसीटीवी का जाल है। मार्च 2021 में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया था कि पूरे भारत में अलग अलग सरकारी दफ्तरों में लगभग चाइनीज कंपनियों के 10 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे हुए सरकारी ऑफिस में, और चाइनीज कंपनियों में भी अगर हिकविजन जिस पर आरोप लग रहा है उसकी बात कीजिएगा तो इस कंपनी के कैमरे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगे हुए हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में लगे हुए हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में भी लगे हुए हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG जो लोगों को सुरक्षा देता है वो भी इसका इस्तेमाल कर रहा है। भारत में 35% CCTV कैमरे इसी हिकविजन के लगे हैं भाई। इतने महत्वपूर्ण संस्थानों में चाइनीज कंपनी के CCTV कैमरे लगे हैं तो चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। जब ये ब्रिटेन को नहीं छोड़ रहा, अमेरिका को नहीं छोड़ रहा, उस दोनों आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये मामला गड़बड़ है, इंडिया को भी सोचना होगा। जासूसी करने के लिए CCTV के अलावा स्मार्ट TV का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप सोच रहे होंगे हमने तो CCTV लगाया नहीं, हम बचे हुए हैं। बॉस आपका स्मार्ट TV, आप TV देख रहे हैं, आपको कोई और देख रहा है। अप्रैल 2021 में खुलासा हुआ कि चीन में डेटा एनालिसिस करने वाली कंपनी गोजेन डेटा स्मार्ट TV से लोगों की जानकारी जुटाती है। स्मार्ट TV में एक खास प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है जो यूजर के वाईफाई को हर 10 मिनट में स्कैन करता और जानकारी अपलोड करता है। कहां? चाइना में। घर में कितने स्मार्ट डिवाइस हैं, कौन घर में आ रहा है, कौन वाईफाई यूज कर रहा है, पड़ोसी के वाईफाई का नाम क्या है, ये सारी जानकारी अपलोड कहां हो रही है, कहां से? आपके TV से। स्मार्ट TV के यूजर की अनुमति के बिना उसकी सारी जानकारी लीक हो जाती है। इस तरह का खतरा भारत में भी है क्योंकि भारत के स्मार्ट TV बाजार में चीन का दबदबा है। तो भैया TV पे पाठशाला देख रहे हैं और मैं आपको चीन की ये सब हरकतें बता रहा हूं, ये जिनपिंग को भी पता चल रहा हो सकता है। खैर, जासूसी और हैकिंग बहुत बड़ा मुद्दा है भाई, इसको हल्के में लेने का नहीं है। ये देश की सुरक्षा के लिए कैसे चुनौती बन सकता है इसे आप एम्स के मामले से समझ लीजिए। पिछले 7 दिनों से देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स का सर्वर हैक हुआ है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन को समझ ही नहीं आ रहा कि सर्वर हैक किया किसने, किस देश से, किस शहर से हैक हुआ ये पता नहीं चल रहा। 7 दिन हो गए। कहा यह भी जा रहा कि हैकर्स ने बिटकॉइन में 200 करोड़ रुपए की फिरौती मांग ली। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि कोई फिरौती नहीं मांगी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये भी नहीं बता पा रही कि सर्वर कब तक ठीक हो जाएगा। एम्स का सर्वर हैक होने से करोड़ों मरीजों से जुड़ा डेटा लीक हो सकता है। एम्स के सर्वर में VVIP लोगों का डेटा है, पूर्व प्रधानमंत्री, मंत्री, ब्यूरोक्रेट, जज सबका डेटा स्टोर है। अब ये हैकिंग है या किसी वायरस का असर, ये जानकारी भी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इस घटना ने डेटा सुरक्षा के जुड़े दावों की पोल जरूर खोल दी है। अब कल सब जाएंगे, मुझे पता, ऑफिस में चेक करेंगे CCTV किस कंपनी का लगा होगा। लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, भारत की सरकार, आम लोग, सबको देखना चाहिए कि चाइनीज वाला CCTV यूज कर रहे हैं या क्या यूज कर रहे हैं, जरा देख के भाई, मामला बड़ा टाइट है।